नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है, इसी कारण से हर व्यक्ति तीज त्यौहार पर दान करना पसंद करते हैं। दोस्तों, होली भी एक ऐसा त्यौहार है जिस पर बहुत से व्यक्ति दान करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में इस बात को कहा गया है कि होली के अवसर पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए। अपनी आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे उन चीज़ों के बारे में जिनका दान होली पर निषेध माना जाता है और व्यक्ति को भूलकर भी होली के अवसर पर इन चीजों को दान नहीं करना चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर एक, दोस्तों सामान्यतः लोग अपने पहने हुए कपड़े गरीब लोगों को दान दे देते हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान और धर्म शास्त्रों के अनुसार इस बात को कहा जाता है कि होलिका दहन और होली वाले दिन भूलकर भी कभी उन कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए जिन्हें आप लोगों ने पहने हो। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तब ऐसा करने से आपके घर से खुशहाली जा सकती है और इसका आपके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। नंबर दो, दोस्तों होली पर भूलकर भी स्टील या फिर लोहे की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान में इसे बहुत ही बुरा माना जाता है और ऐसा करने पर व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप लोग अपने जीवन में सक्षम हैं तब आप लोगों को होली के अवसर पर किसी कन्या को स्वर्ण का दान करना चाहिए। ये दान अपने आप में बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। नंबर तीन, दोस्तों होली के अवसर पर आप लोगों को भूलकर भी पैसों का दान नहीं करना चाहिए, खास करके होलिका दहन वाली रात तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तब आप लोगों के साथ आर्थिक नुकसान होने की संभावना कई गुना ज़्यादा होती है। नंबर चार, दोस्तों होलिका दहन वाले दिन आप लोगों को भूलकर भी किसी सफ़ेद चीज़ जैसे कि दूध, दही, चीनी या चावल इनका दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका शुक्र कमज़ोर होता है और साथ ही साथ आप लोगों के ऊपर चंद्र दोष लगता है। नंबर पाँच, होलिका दहन के दिन किसी सुहागन महिला को भूलकर भी अपने सुहाग से संबंधित या फिर श्रृंगार से संबंधित कोई भी चीज़ दान नहीं करनी चाहिए। अगर महिलाएं ऐसा करती है तब ऐसा करने से उनके पतियों को नुकसान पहुंचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए कभी भी किसी सुहागन महिला को होलिका दहन वाले दिन सुहाग से संबंधित या श्रृंगार से संबंधित कोई भी चीज़ दान नहीं करनी चाहिए। नंबर छः, सरसों का तेल। दोस्तों कभी भी होलिका दहन वाले दिन भूलकर भी सरसों के तेल का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों वैसे तो सरसों के तेल का दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और शनिदेव खुश होते हैं, लेकिन इस बात को कहा जाता है कि होली पूर्णिमा के दिन होती है और पूर्णिमा के दिन कभी भी सरसों के तेल का दान नहीं करना चाहिए।